किसी भी महिला को स्ट्रांग कैसे बनाया जा सकता है, उसे आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है, उसे एम्पावर कैसे किया जा सकता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो कोई बात नहीं यार, मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें अभी सीखी हैं ये वाली सीरीज देखकर। अगर किसी महिला को स्ट्रांग बनाना है, उसे एम्पावर करना है, तो यार एक ही तरीका है, वो महिला जाकर सिर्फ और सिर्फ सेक्स करे दूसरे मर्दों के साथ, गालियाँ दे, शराब पिए, अपनी जिम्मेदारियाँ ना समझे। सीरियसली यही डेफिनेशन है ओल्ड बालाजी की, और यही ओल्ड बालाजी की जो मेकर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हेलो जी वेब सीरीज के बारे में, जिसे ओल्ड बालाजी जो भारत का एक सॉफ्ट पोर्न ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर रिलीज की गई है। तकरीबन ये सीरीज 4 घंटे लंबी है। अब इस सीरीज को देखने में मुझे लगभग 5 दिन लगे। अब यार देखो, इतनी महान वेब सीरीज है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ग्रहण करने एकदम इतना आसान थोड़ा ना यार, टाइम लगता है। इतनी अच्छी सीरीज को देखने में। अब इस सीरीज के महान डायरेक्टर का नाम ना लूं तो यार देखो बात अधूरी रह जाएगी। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है शहनवाज खान ने और बलजीत सिंह चड्ढा ने। ये दोनों बंदों ने मिलकर मैं कह सकता हूं कि यार हमारे सामने एक मास्टरपीस रखा है। वाहियात बहुत एक अच्छी सीरीज हमें बनाई है। मैं जानना चाहता हूं कि यार इन लोगों के पास ऐसी अद्भुत कला कहां से आई, मतलब कहां से लेके आते हैं ये लोग, कोई अलग से कोई फैक्ट्री लगती है क्या इन मंदबुद्धि नहीं, मतलब इन महान लोगों को बनाने की अलग से कोई फैक्ट्री आती है क्या कि इनके दिमाग में कचरा नहीं यार, मतलब इनके दिमाग में कोई अच्छी चीज डाली जाती है कि जाके ये वाली चीज बनाएं वो। इस सीरीज के जो मेन कास्ट है नायरा बनर्जी, उसके बारे में तो मुझे यार पर्सनली बात करनी, जो ये ओवर एक्टिंग की दुकान है। खैर आते हैं इसके ऊपर, बट इस सीरीज की कहानी के बारे में बात कर ले तो जो इसके अंदर है नहीं, मतलब कहानी की बात कर रहा हूँ जो इस सीरीज में है नहीं। एक लड़की है जिसका नाम स्वीटी है या मुनमुन है या फिर एंजेलिना है, मतलब ये 3 नाम एक ही लड़की के हैं। उसका असली नाम इस पूरी सीरीज में नहीं बताया गया। वो सेक्स कॉल करती है, लोगों से रुपए ठगती है, और इस काम को वो बहुत प्राउडली कहती है कि हाँ मैं ये काम करती हूँ, इसमें ये कला चाहिए। अबे सठिया गए हो क्या तुम लोग यार, पढ़ाई पढ़ाई की बात करो, IAS YAS बनो जाकर तुम, ये क्या बकवास बना, तुमसे पढ़ाई होती नहीं तब यही काम करोगे ना यार। और स्वीटी या मुनमुन या जो भी एंजेलिना है, ये जो अपना काम करती है, इसके चलते इसके पीछे एक आदमी बिल्कुल पागलों की तरह इसके हाथ धो के पीछे पड़ जाता है। अब उसको वो पाना ही चाहता है, उसने क्या किया, अपनी वाइफ को मार दिया। इतना मतलब हफसी इंसान है। अब ये लड़की जो है इससे जान बचाने के लिए दूसरे शहर जाती है, दूसरे शहर जाके एक अपनी फ्रेंड के घर पे रहती है, फिर वहां पर अपनी फ्रेंड को अपने साथ मिलाती है, अपनी फ्रेंड की सास को अपने साथ मिलाती है, अपनी फ्रेंड की नौकरानी को अपने साथ मिलाती है, और 2 नमूने और ये अपने साथ मिलाती है, और एक कंपनी सेक्स कॉल करने वाली एक हेलो जी कंपनी शुरू करती है, ताकि लोगों को कॉल करके उनसे रुपए ठगे जा सकें, जो भी ये मतलब जिसे प्राउडली फील कहते हैं कि हम ये वाला काम करते हैं यार। अब देखो इसके मेकर्स को क्या लगता है, अगर किसी लड़की का रंग काला है तो वो अपना कॉन्फिडेंस कैसे वापस ला सकती है। सुनो, इसके मेकर्स के अकॉर्डिंग, इस वेब सीरीज के मेकर्स के अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं कि अगर किसी लड़की का भी रंग सांवला है, काला है, तो भाई अगर उसको अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना है तो भाई वो क्या करे, वो सेक्स कॉल करे, मतलब गंदी गंदी बातें करे, दारू पिए, या फिर जो भी चीजें वो करना चाहे, गालियां बके, वो सब चीजें करे। देखो चुटकी बजाती कैसे वापस आपके अंदर कॉन्फिडेंस वापस आता है, ना तो पढ़ाई करनी है, ना फिर आपको मेहनत करनी है, ना आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी है, ऐसी कोई चीज नहीं करनी भाई, जो जी अच्छी चीज में आती है आपको गलत काम करने है, और फिर देखो यार झक मार के कॉन्फिडेंस वापस आएगा। अबे बेवकूफ इंसानों, हगने की भी कोई सीमा होती है, वो तुम कब की पार कर चुके हो, अब थोड़ी शर्म कर लो यार, पागल हो गए हो क्या, सठिया गए हो क्या, उम्र होगी तो हट जाओ यार साइड में। और तुम्हें लगता है ना कि तुमने बहुत महान एक वेब सीरीज बना दी, एक बार आओ पब्लिक में पूछो उनसे कि तुमने क्या क्या सीरीज बनाई है, वो तुम्हें अच्छे से बिठा के तुम्हारे मुंह को लाल करके, तुम्हारे पिछवाड़े को लाल करके तुम्हें इज्जत से बताएंगे कि तुमने क्या बनाया है। नहीं, तुम्हें इतना ही शौक है तो जाके यार पोर्न साइट के अंदर काम करने लग जाओ ना, तुम ये क्या बना रहे हो, तुम वहां काम करो, अपना दिखाना है, तुम्हें टैलेंट है तो वहां दिखा लो जाके। और सच में यार जो इस सीरीज के अंदर कास्ट है, या जो भी ये गंदी बात सीरीज जितनी भी चली आ रही है, इसके जो कास्ट में हैरान हूं यार, तुम पढ़ लिख लेते सच में तुम्हें और ढंग का काम मिल जाता, तुम्हें ये घटिया काम ना करना पड़ता। और अब बात करें नायरा बनर्जी, जो मेन कास्ट है, जो मेन हाईलाइट है, जो अपने आप को बॉस, जो इस ओवर एक्टिंग की दुकान है, जिस तरीके की इसने परफॉर्मेंस की है ना भाई साहब, उल्टी आ जाए देख के, मतलब घिन आती है उस चीज को देखकर। अब एक सीन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, तो नायरा बनर्जी अपने नमूनों में से किसी एक नमूने को बचाने जाती है, तो वहां पर लोहे के पत्रे लगे हुए होते हैं उस रूम में, और उसको लात मार के गिरा रही है, और ऐसे एंट्री कर रही है, पता नहीं यार 10 फुट चौड़ी उसने दीवार गिरा दी। अबे एक्सप्रेशन कहां से लाते हो, इतना घमंड, इतनी ओवर एक्टिंग कैसे कर लेते हो यार तुम लोग। ना तो इस सीरीज में कोई कहानी है, ना ढंग का डायरेक्शन है, ऊपर से इस पूरी सीरीज को वाहियात बनाया है इसकी ओवर एक्टिंग ने, इतना घटिया यार, मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए एक अच्छी खासी सीरीज कह सकते, मतलब अच्छी खासी है वो भी कचरे के लिए। क्या बोल रहा हूं मैं,
बट मैं एक बात कहूंगा यार इसके मेकर्स को, यार तुम्हारे दिमाग में जो भी गंद भरा हुआ है ना यार, उसे बाहर निकालो एक बार, अपने इस गंदे दिमाग को हटा कर साफ करके एक अच्छी नजर से इस दुनिया को देखने की कोशिश करो, चाहे तुम्हारी लाइफ भी अच्छे से हो जाए। और मुझे नहीं लगता है कि यार तुम्हारे गंदे दिमाग के साथ कोई महिला भी सुरक्षित महसूस करती होगी। मेरी तरफ से इस वाहियात, इस घटिया, इस टट्टी सीरीज को मैं देना चाहूंगा 0 out of 10 स्टार अगर किसी ने सीरीज देख ली है। देखो यार मैं उम्मीद तो नहीं करता ये सीरीज कोई देखे, मतलब ये देखना तो दूर यार, ये थूकने के लायक भी नहीं है, तो मैं कोई सजेस्ट भी नहीं करूंगा तुम ये जाकर देखो, बहुत बेकार सीरीज है। मेरी तरफ से तो मैंने ऑलरेडी इसको 0 दे दिया। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।